आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर में वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा है और कहा है भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट ये उदाहरण है। अखिलेश यादव ने दरअसल एक ट्वीट किया है, यूपी के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग अलग टीके लग जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए। इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा? सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शैलेश, बेशक ये लापरवाही भरी बात है कि दोनों ही वैक्सीन के अलग अलग डोज पेशेंट को लगा दिए गए, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है कि एक मुद्दा बनाने की तैयारी इसको हो रही है और ये दिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से कि दरअसल ये जो टीकाकरण ड्राइव है सब कुछ यहाँ भगवान भरोसे चल रहा है। आशा, देखिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी और तभी से इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, किसी से छुपा नहीं है। खास तौर से अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि ये भाजपा वालों की वैक्सीन है, हमें भरोसा नहीं लगवाएंगे, और ये भी कहा था कि भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे, उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि कुछ दिन पहले अगर बात करें, हाल ही में एक और उनका बयान आता है कि परीक्षा एग्जामिनेशन से पहले वैक्सीनेशन को लेकर, जिसके ऊपर बाद में इसी बात को मुद्दा बनाकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी कहा कि जो पहले वैक्सीन का विरोध करते थे आज वो इसकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी टिप्पणियां लगातार आती रहती हैं और इसी क्रम में एक बार फिर से आई है। लेकिन देखिए, इस बार अगर हम बात करें जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी लापरवाही होगी तो खुद विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष का ऐसे में सवाल उठाना जायज भी बनता है, क्योंकि जिस तरह से इतने लोगों को वैक्सीन की डोज ही बदल जाती है, जबकि देखिए जब वैक्सीन कभी भी लगती है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि पहली वैक्सीन की कौन सी डोज दी गई थी, उसके बाद जब दूसरी डोज के लिए कोई व्यक्ति जाता है वो सर्टिफिकेट देखा जाता है और उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाती है। अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अलग अलग बात करें तो देखिए, जो कोवैक्सीन है उसके लिए जो टाइम गैप रखा गया है दो डोज का, वो कम है, वो है लगभग 28 दिन एक महीना। कोविशील्ड की बात करें, उसका टाइम गैप जो दो डोज के बीच का है वो बढ़ चुका है, वो लगभग 6 से 8 हफ्ते का है। जाहिर सी बात है, उन दोनों के अंदर जो सॉल्ट यूज किया जा रहा है उसमें अंतर है। ऐसे में अगर एक वैक्सीन कोई लगे, दूसरी वैक्सीन कोई लगे, उसके किस तरह के रिजल्ट होंगे ये कोई नहीं जानता है। तो इतनी बड़ी अगर लापरवाही होगी तो विपक्ष का सवाल उठाना जायज भी है, लाजमी भी है, और इस पर विपक्ष जाहिर सी बात है कोई मौका नहीं छोड़ेगा राजनीति करने का, कोई मौका नहीं छोड़े, क्योंकि उसे अपनी बात को साबित करने का भी कह सकते हैं एक तरह मौका मिला है यहाँ पर। बेशक, किस तरह, क्योंकि जिसने कभी इस वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन करार दिया था वो अब आगे आके न केवल खुद वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान लापरवाही के मामलों को इस तरह सामने पेश करने पर तुले हुए हैं कि जैसे पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव में केवल ऐसा ही हो रहा हो और हर जगह हर किसी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हो। लेकिन लापरवाही हुई है इससे इनकार नहीं है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए।